इस पिक्चर में सबसे मजेदार बात क्या है, क्योंकि सिनेमा में बहुत ये इस मूवी में वो देखने को मिलेगा जो इससे पहले कभी देखने को मिलेगा नहीं, तो मिला नहीं है मजेदार। ऑफ कोर्स मैं आई थिंक एक सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि गर्ल गैंग पे बहुत कम फिल्में बनी हैं एंड द वंस दैट आर विथ मी आर प्रोबब्ली द कूलेस्ट। लेट्स जस्ट डू दिस फॉर द कैमरा, जस्ट फॉर द हेक ऑफ विमेन पावर। आई टेल यू द न्यू कूल। या गाइस, आर यू रेडी? यस। 1 2 3 हाजी हाजी। या ओह माय गॉड, हाजी हैज बिकम कूल। या और फर्स्टली किसका सपना था, क्योंकि आई बिलीव यूनिवर्स होता है और कंस्पायर करता है। I think I'm going to start with Kusha. We are all fans of what she's creates and every all of them here. Absolutely. But क्या है in the universe that you put कि आपको ऐसी movie मिली है जिसमें कुछ ज़्यादा ही woman empowerment है? It's the natural progression, यही होना चाहिए था और वही हुआ है। ऐसा ही कंटेंट मैं बनाती हूँ, you know, it's for women. And Riya Kapoor's filmography something that I've personally enjoyed. मैंने अपनी पहली movie brand collaboration उनके साथ की थी, Dolly थी, Dolly और मैंने साथ में की थी उनके साथ Veere Di Wedding. So आप सोच सकते हैं कि कहाँ हम movie promote कर रहे थे, कहाँ हम उनके आज film promote कर रहे हैं। तो मतलब I would say that नहीं, बट बचपन में से कोई नॉटी बात हुई तो घर वाले भी तो पूछते होंगे ना, कुछ पिक्चर में आ रही है, क्या है पिक्चर? पिक्चर मैंने तो वेरी ऑडिशियस ड्रीम टू हैव फ्रॉम वेयर आई हैव कम। ओके, आई एम फ्रॉम लाइक सीतापुरा, देयर वाज नोबडी देयर वांटिंग टू बिकम एन एक्टर, दैट समथिंग यही था कि पढ़ना और जॉब करनी है। अच्छा जी, दैट वाज। और आपने जॉब भी करी? हां, मैंने 8 साल आई हैव वर्कड एंड ये तो बहुत लेट हुआ है जो मेरा करियर आया है। सो I feel like becoming an actor is a dream you don't even like dare to have. वो आप ऐसे पासिंग में भी नहीं बोलते कि मैं बड़े होकर एक्टर बनना चाहती हूँ। How? Where? But आपने कॉपीराइटिंग करी है, सबसे मतलब शॉकिंग लाइंस क्या लिखी हैं, क्योंकि पिक्चर ये वाली काफी शॉकिंग होगी बहुत सारे लोगों के लिए, तो क्या लिखा था तब कि आपको लग रहा है अभी यूनिवर्स कह रहा है ये लो तुम्हारे लिए? कॉपीराइटिंग एक्चुअली ना, मैं एक बाथरूम एक्सेसरी ब्रांड की करती थी, ग्रोहा नाम की। अच्छा। तो शॉकिंग कुछ नहीं होता था, क्योंकि मैं वॉश बेसिन और फ्लशेस के बारे में लिखती थी। तो टॉयलेट की प्रेम को the most shocking I could have done something must have been to have a good dump or something. So, don't dump your emotions. लेकिन देखिए ये यहाँ पे जो है इन्होंने इमोटिकॉन्स का एक भंडारा रखा है फॉर सेक्सुअल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। आप जरा बताएंगे कि ये जो आप आंटी बनती फिरती है और कितना खुद ही हंसती है the mummy. ये अपने मैसेजिंग में आई थिंक ओह माय गॉड दैट्स माय फील। ये कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई? ये फोन गिरा हुआ है, है, है चालू हुआ, क्या हुआ ये? मैं और अंकुश ना एक कैरेक्टर करते थे, इसका हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की वीडियोस टॉपिक्स में वीडियो करते थे। हाँ। स्पेसिफिकली आईडीवा में। हाँ। एंड आई थिंक दिस वन टाइम वी मेट फॉर अ शूट व्हिच वाज समथिंग एल्स एंड हाँ। वी थॉट चलो कंटेंट भी बनाते हैं एंड आई थिंक ही जस्ट केम अप विद दिस आईडिया कि यू नो ऐसे फोन रखते हैं। हाँ। सो फनी। या एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड आई थिंक उसके बाद से वी हैव नॉट लुक बैक। I feel like मतलब उसका भी टाइम आने वाला है शायद, ये आईपी भी शायद थोड़ी स्लो हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। बट इतना उसमें आप लोग ने कवर किया है तो स्कर्ट से लेके क्या 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 व्हाट इज द कमेंट्स दैट योर घर वाले मे बी द कमेंट्स आप पढ़ते हैं क्या है वहां पे? कोई मेरे घर वाले सब देखते हैं और वो प्रिटेंड करते हैं दिस डजंट एग्जिस्ट। माय फादर समटाइम्स लाइक्स इट एंड देन अनलाइक्स इट बिकॉज़ सोशल मीडिया जैसे आया तो उल्टी हंगा बह रही थी कि हम मतलब हम वी आर लाइक जस्ट यू नो ग्रिप्ड बाय देम। आप कितना इनको फॉलो करते थे, कितने आपने रील्स? मैं एक्चुअली राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई थिंक जब से इन सब ने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, अपने अपने किरदार आइकॉनिक किरदार शुरू किए थे राइट फ्रॉम देम। इनफैक्ट रुकती थी कि कब आएंगी, कब एक साउथ दिल्ली आंटी देखूंगी या गुड्डी भाभी देखूंगी या यू नो मम्मी जी देखूंगी बुआ। मैं कहा वुड एक्चुअली वेट बिकॉज इवन टुडे लाइक यू नो देयर आर सच फिनोमिनल कंटेंट क्रिएटर्स एंड दे आर माय सोर्स ऑफ
happiness before I go to sleep. But ये the way you are as a person yourself, आप भी I would think content creation कर सकते हैं। हाँ, मैं actually बहुत बार कह चुकी हूँ ये कि अगर if I had like become an actor in a different time, I think I would have maybe taken one of the parts that they've taken. हाँ। you know, तो आपके घर में क्या-क्या होती है नौटंकी? Oh my god! Very happy that that happened because the films you've given us. Yeah. Woo! Yeah. आप हर picture sign करने से पहले आयुष्मान खुराना को phone कर रही हैं अक्षय को। आयुष्मान मुझे phone कर हर पिक्चर कर ली आर यू गाइस लिटरली अ चीयरलीडर्स क्योंकि आई मीन समवेयर यू आर ऑन दिस पाथ की बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो डर रहे हैं मतलब खुद इनके मम्मी पापा डर रहे हैं लाइक करने से आप खुल के ये बातें कर रहे हो आई मीन यू हैव टू हैव सम बिट ऑफ सम यूनिवर्सल लव कि आपको पता है ये सही जा रहा है नहीं मुझे लगता है सबकी सबका अपना अपना तरीका है यू नो दिस टू काइंड ऑफ लाइक गिव बैक एंड लेट पीपल नो दिस इज व्हाट वी रेजोनेट विद एंड हाउ डू वी मेक लाइक यू नो थ्रू आवर आर्ट दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस और मैं बहुत ही मतलब ऐसी हेक्टिक बातें कर रही हूँ बट डेफिनेटली दैट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म्स आई डू यू नो मैं पैदा एक्टर बनने के लिए हुई हूँ ये मेरा मानना है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने कहा मैं बनूंगी एक्टर ही एंड If I get the opportunity to, अगर मुझे ऐसी फिल्में मेरे साथ आती है जहाँ मैं लोगों को हंसाऊं जाए थैंक यू फॉर कमिंग इतनी कंप्लीट फिल्म है आई प्रॉमिस यू जैसा उन्होंने कहा इम्प्रोवाइज करने की स्पेस ही नहीं थी क्योंकि जिस द वे जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं इट इज अ इट्स फ्रंट फुटेड कॉमेडी यू नो और आप लड़कियों को ऐसा करते हुए देखते नहीं हो यू नो पता आप वो लाइन देखोगी रबड़ी गोपाल खा गया उसी से एक सुर सेट हो जाता है हमारी फिल्म का और एक ऐसी फिल्म में इतना सारा हार्ट इतनी सारी यू नो ब्यूटीफुल कहानियां यू नो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स सारे कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लिकेटेड यू नो इंटर पॉलिटिक्स है फिल्म में तो एक बहुत ही मजेदार फिल्म है तो मैं कैसे मना करूं डॉली से पूछते हैं सबसे एक्साइटिंग लाइन क्या था आपके कैरेक्टर का It has too many meanings and it's so funny in the context of the film also. I think Shibani ki bhi kuch line hai, you know, हम हंसते हैं हम एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं हम चीप जोक्स भी मारते हैं हम जो करते हैं आपस में करते आपस में हम कर सकते हैं ये सब मुझे तो आप जरा बताएं कि कुछ लाइन ऐसी थी फिल्म में जो आपको याद आ गया ये तो मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोला हुआ है like, ऐसा कुछ था हाँ हाँ फुल जो ज्ञान देना एक दूसरे को रिलेशनशिप के ऊपर जाके अपनी नैया डूब रही है पर दूसरे को ज्ञान जरूर देना है वो सब रियल लाइफ से सारा निकला ऑल द कैरेक्टर्स आई फील वो इतने रिलेटेबल है कि वो आपको क्लियर एवरीथिंग वी वुड रीड अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ अरे ये तो मेरे साथ दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म ये वो क्विंटेसेंशियल फिल्म है जो आप अपनी गर्ल गैंग के साथ जाके एक्चुअली गर्ल गैंग क्या है बॉयज यू नो लाइक उनका भी एक ग्रुप के साथ जाके देख सकते हो आप हंसोगे और बहुत हंसोगे आपने एक इन सबके साथ मस्ती करी होगी और इनको बहुत हंसाया होगा Actually, हमने इनके साथ मस्ती की और इन्होंने हमें बहुत हंसाया नहीं मैं बोल रही हूँ आपने इनको सबको बहुत हंसाया होगा क्या क्या हुआ है जरा बताइए क्योंकि ज्ञान तो आप क्या ये सब बताएंगे आप बहुत चुप बैठी हैं आपको ऐसे लग रहा है ये वाली क्लास थोड़ी सी आपके लिए मतलब वो हाईफाई चल रही है क्या ये जो क्लासरूम बनाई हुई है आपने फिल्म में आप बहुत चुप बैठे हो आप थोड़ा खुल के बताओ मैं सच्ची बोलूं बहुत अभी आदत नहीं है इतनी आप तो इंटरव्यू लेने लग गए हो ऐसे मत बोलो वही वो तो फिर अपने मूड से होती है ना अच्छा जी वो अपना मूड बना के बंदा हाँ आ जाओ अरे अभी क्या है कि जैसे दर्द भी सहनी और ऊपर से ऐसे बहुत इट्स अ डिफिकल्ट जॉब अभी लगाओ इधर अभी लगाओ एक बेड क्विल्ट करी क्यों पाते मेरे साथ आई विश लेट के मजा आ जाए ना ऐसे पिलो टॉक इस पिक्चर में सबसे मजेदार बात क्या है क्योंकि सिनेमा में बहुत ये इस मूवी में वो देखने को मिलेगा जो इससे पहले कभी देखने को मिलेगा नहीं तो मिला नहीं है मजेदार ऑफ कोर्स मैं और ऑफ कोर्स हाँ जी कैन यू गाइस से दैट अगेन हाँ जी
तो उस व्हाट इज अबाउट दैट सॉन्ग, क्योंकि बहुत अलग है और सब लोग मस्ती कर रहे हैं, आपकी कोई हैंड पार्टी चल रही है, क्या हो रहा है उसमें? ये हमारी, ये मेरी हैंड पार्टी है। अच्छा, हमने इस फिल्म पे किया, हमने एक्चुअली फिल्म पे बहुत सारी पार्टी की, और आप हां जी देखोगे ना आपको ऐसे लगा जैसे वी ऑल वर्सेस देयर। हमने बहुत लास्ट डे ऑफ शूट पे हमने फिल्म की गाना किया था, तो बहुत बिटर स्वीट फीलिंग भी थी, और हमें बस बोला गया था दैट ट्रीटेड लाइक यू गाइस आर इन अ क्लब, किसकी डांस स्टेप सबको शॉक कर गई आप में से? शहनाज। व्हाट? शहनाज इज अ वेरी गुड डांस। क्या करा आपने? आप वीडियो देखो, हमारा व्यू बढ़ेगा एक। हमको बताया भाई, वो शहनाज इन भूमि ऑल्सो लेकिन कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हमारे लाइफ में रह जाते हैं। द नाइसेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट, जो आपको लगा वाओ आई एम हैप्पी बीइंग अ वुमन, वो क्या था? मैंने किसी से पूछा था कि हु इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड, एंड किसी ने मुझे बोला कि मैं नहीं, तो मैं होगी ठीक है, हाउ डेयर यू, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तो फिर मुझे जवाब आया कि अरे ब्यूटीफुल तो बहुत लड़कियां हैं, मैं लाइन लगा सकती हूँ यहाँ पे कि बहुत सारी है, बट यू आर द मोस्ट प्योरेस्ट सोल इन दिस वर्ल्ड। मुझे वो हमेशा याद रहेगा। मुझे कॉम्प्लीमेंट ज्यादा याद नहीं रहते, जो उल्टी चीजें लोग बोलते हैं वो ज्यादा याद रह जाता है, ये गड़बड़ है। कॉम्प्लीमेंट याद करना रही है, दिमाग में अटकती है बुरी चीजें, अच्छी चीजें याद ही नहीं रहती। प्लीज टेल अस व्हाट वाज दैट, कौन सी? आज ही किसी ने मुझे बोला था कि मूड, अच्छा मूड नहीं क्या आपका, क्या हो गया? ओह नो, फिर मैंने कहा अब मेरा मूड खराब हो गया। दैट्स सो इरिटेटिंग, मूड नहीं आपका। हां मतलब जैसे मुझे बिग बॉस में देखा है चुलबुली चुलबुली, यहाँ 24 घंटे जो फन करने वाले, अब मैं थोड़ा सा भी ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ा सा भी बंदा ऐसे डाउन होता है अपने फोन पे, अरे आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, अरे मैं तुम्हें एंटरटेन कर रहा थोड़ी बैठी। मैंने फिर जवाब दिया, मैंने कहा सुनो मैं बिग बॉस वाली शहनाज बिल्कुल नहीं हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ, 3 साल हो गए बिग बॉस को, बड़ी हो गई। नहीं बट इट्स ट्रू, कॉमेडी हम लोग भी कॉमेडी करते हैं ना, तो कभी लोग मिलते हैं, मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं जनरली ऐसा क्या हो गया, अपसेट हो गया यार, अब तो बड़ी अलग लग रहे हो, क्या हो गया? उनको लगता है कि आप हर वक्त जोक ही मारते रहोगे, हंसाते रहोगे, एंटरटेन करते रहो लोगों को। आई वॉन्ट टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू यू कि आपको बुक लिखनी चाहिए, क्योंकि आप जिस अंदाज से बोल रहे हो ना, हम सबको लगता है मेरी लाइफ का एक पन्ना खोला है हम लोग ने। इट विल बी अ वेरी रिलेटेबल बुक, एंड आई वॉन्ट टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आप इन्फ्लुएंसर की दुनिया में कॉमेडी और फैशन को जो आप मर्ज करते हो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हाट यू डू, एंड यू आर सुपर हॉट। आई होप यू रिमेंबर दिस मोमेंट, प्लीज रिमेंबर अर्चना फॉर मी। आई विल रिमेंबर नाउ। आंखें एकदम श्रीदेवी टाइप्स, यू नो दैट्स अ ह्यूज वन, दैट्स अ ह्यूज वन, शुड स्टे विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग। आपको भूमि कुछ कहना है? मुझे अच्छा वाला मिलेगा, हस्बैंड वाली फीलिंग, क्या करना है नेक सूट्स के पास जाके आग लगे एक्सो को, मेरा बस चले ना मैं नेक्सो को छिपती हूँ, आग लगे एक्सो को। आई फील लाइक दिस इज रियली द मैसेज ऑफ दिस फिल्म बाय द वे, आग लगे एक्सो को अच्छा वाला मिलेगा, हो जाएगा सब। आपके साथ एक फ्यूचर बितानी है और एक नाइट ऑफ पार्टी करनी है, गर्ल्स यू ऑल आर टू कूल, एंड आई वांट टू से देयर सो मच लव इन दिस रूम फॉर एवरीथिंग दैट यू ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये फिल्म ट्रूली बहुत कम लोगों को ये बोल सकते हैं हम लोग कि यू डिजर्व दिस मूवी, एंड ऑल ऑफ यू डिजर्व दिस मूवी। रेडियो सिटी।
सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।